सजनवा पुलिस ने लूट के रूपियों के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान थाना बांसगांव के भटोली बाजार निवासी सुधीर सैनी पुत्र राम सूरत सैनी तथा ग्राम रहुआ डी निवासी चूड़ामणि पाठक पुत्र राजेंद्र पाठक के रूप में हुई है। इन लोगों के पास से पुलिस ने लूट के 14,000 रुपये नगद तथा बिना नंबर की बाइक बरामद की है, जबकि इनके दो साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाल ने बताया कि गीडा सेक्टर 22 स्थित एक निजी आईटीआई में फीस जमा करने आई एक महिला से इन लोगों ने फीस के 68,000 रुपये लूट लिए थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को कालेसर जीरो प्वाइंट से गिरफ्तार किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़ ने कहा, इसमें जो फीस के रुपए थे तो अंदर आईटीआई पड़ता है वहाँ पे वीर बहादुर जो जहाँ पे आप सजनों में जाएंगे आगीडा में, तो अंदर जाके वहाँ पे आईटीआई भी है, तो वहाँ पे बाइक सवार लोग आए थे अंदर घूमते थे, उसमें फीस रखी थी दो जो महिला थी वहाँ पे और भी महिलाएं वहाँ बैठी हुई थी, तो उनसे पैसे छीन के चले गए थे वहाँ से भाग। थाना सहजनवा में लगभग 10 दिन पूर्व एक आईटीआई पड़ता है, वहाँ से फीस के रुपए एक महिला से लूट कर जो बदमाश हैं वो लेकर चले गए थे। इसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार इसमें लोगों का वेरिफिकेशन किया गया और ये पता लगा कि इसमें 4 लोग शामिल थे, जिसमें से ये 2 बदमाशों को पुलिस के द्वारा इसमें पकड़ा गया, चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है और इनके पास से लूट के रुपए भी बरामद हुए और 2 अन्य बदमाश हैं वो मौके से फरार हो गए हैं दूसरी बाइक से और इनके पास से भी एक पल्सर जो बाइक है वो बरामद हुई है जिस पर नंबर नहीं पड़ा हुआ था। साथ ही साथ जो 2 अन्य बदमाश हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है, एक बदमाश में से चौरी थाने से पहले भी लूट में जेल जा चुका है और वो कुछ ही समय पहले जेल से बाहर आया है और इसमें जो 2 लोग पकड़े हैं इनमें से भी एक बदमाश जो थाना बांसगांव से वांछित चल रहा था और इन दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कितने रुपए लूटे थे? ये 67,000 जो 67,000 रुपये वहाँ फीस के रुपए आईटीआई में जमा हो रहे थे तो एक महिला से वो छीन लिए गए थे, वहाँ पे लूट लिए गए थे। हाँ, क्योंकि ये आईटीआई में फीस जमा हो रही थी तो ये वहाँ पर अक्सर जो स्कूल है या जो बैंक है उनके आसपास रिकी करते थे और उनको पता चला वहाँ पे फीस जमा हो रही है तो इन्होंने वहाँ पे जिस दिन वो गए और वहाँ पर जो फीस जमा के कैश अकाउंट जो उसका टेबल है वहाँ पे पैसे रखे हुए थे, महिला को जबरदस्ती उससे पैसे लूट के भाग गए। इनसे 14,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनका जो जो 4 अभियुक्त है इसमें से, क्योंकि जो 3 अभियुक्त हैं इनका आपराधिक इतिहास है तो ये केवल लूट के मामलों में ही संलिप्त रहते हैं और इनमें से जो लोग हैं वो जेल जा चुके थे तो जेल में भी इनकी आपस में मुलाकात हुई थी, क्योंकि पहले ये ATM बदलने ATM फर्जीवाड़ा करने का भी काम करते थे तो जब ये जेल गए तो इन्होंने लूट और इनका आपस में जो लोग मिले तो ये लूट करने के उस पेशे में भी इसमें आ गए।